कुछ भी हो जाए शिवलिंग पर ऐसा जल भूलकर भी कभी मत चढ़ाना। शिव शंभु क्रोधित हो सकते हैं, आपकी पूजा भक्ति सब खंडित हो सकती है। सावन के पवित्र महीने में घर का ऐसा जल बहुत ही अशुद्ध होता है, गंदा होता है। ऐसा पानी भगवान शिव के ऊपर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में सावन का महीना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन के पवित्र महीने में सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में होते हैं। सावन के महीने का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा जल। सावन सोमवार का व्रत रखने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्याओं के लिए सावन सोमवार का व्रत बेहद शुभ माना गया है। इससे भगवान शिव की तरह ही एक अच्छे भर की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार का व्रत सुहागिनों के लिए एक वरदान माना जाता है। इस व्रत को पूरा करने से पति परमेश्वर के ऊपर कभी कोई आंच नहीं आई। सावन का त्योहार भारत ही नहीं अपितु विदेश में भी बड़ी धूमधाम के साथ और जोरों शोरों के साथ मनाया जाता है। सावन में कावड़ यात्रा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, अगर आपने एक बार कावड़ यात्रा कर ली तो समझो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरसती है और भोले बाबा आपका कभी बुरा नहीं होने देते। अगर आपके माता पिता नहीं है और संसार में आपका कोई नहीं है तो आप जगत पिता शिव शंभू को अपना माता पिता मान सकते हैं। भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर घर का ऐसा जल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। घोर पाप माना जाता है, भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। घर का ऐसा जल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, भगवान भोलेनाथ के लिए। एक लाइक तो बनता है, तो लिए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर एक, मासिक धर्म के दौरान शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल आप किसी और से चढ़ा सकते हैं। पूजा पाठ का पालन अवश्य करें परंतु भगवान शिव की प्रतिमा को स्पर्श न करें और वही कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को हमेशा शिवलिंग के नीचे ही जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर दो, सावन के पवित्र महीने में एक बार माता पिता के चरण गंगा जल से अवश्य धुलना चाहिए। इससे आपके सभी बुरे पाप नष्ट हो जाते हैं, पितृदोष दूर हो जाता है, काल सर्प दोष दूर हो जाता है। इससे आपको धर्म, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता के चरणों को सावन में गंगा जल से धुला देता है तो वह स्वयं तीर्थ यात्रा कर लेता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं सर्वण कुमार कहलाता है। शिव पुराण में वर्णित है माता पिता की सेवा स्वयं भगवान शिव की सेवा मानी गई है। इसीलिए सावन के शुभ अवसर पर माता पिता के चरण गंगा जल से अवश्य धुलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मोक्ष धारण करता है। दोस्तों, नंबर तीन, सावन में तथा किसी भी अवसर पर शिवलिंग पर प्लास्टिक के बने धातु से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। घोर पाप लगता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर तांबे के बने पत्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। हालांकि स्टील के लोटे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं, जब तांबे का और गंगा जल का एक साथ स्पर्श होता है तब धन की वर्षा होती है और इससे गंगा जल अर्पित करने से एक ऐसा शुभ योग बनता है जिससे आपका भाग्य उदय होता है। इसीलिए शिवलिंग पर तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करना चाहिए। अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पान के पत्ते को शिवलिंग पर अर्पित करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और जाता कि सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शिवलिंग पर पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए, लेकिन पान का पत्ता सबूत होना चाहिए। दोस्तों, नंबर चार, घर का कोई भी जल आप शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते। जानिए क्यों शिवलिंग पर हमेशा गंगा जल ही अर्पित करना चाहिए। साधारण जल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। साधारण जल को पवित्र करने के लिए उसमें थोड़ा गंगा जल मिलकर ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। कई लोग नल आदि से, टंकी आदि से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, जो कि शुभ नहीं अशुभ माना जाता है।
आप जो जल पीते हैं वह जल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता, इससे आपको फल की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसीलिए साधारण जल में गंगा जल अवश्य मिल ले, क्योंकि भगवान शिव गंगा जल के स्पर्श से ही शांत होते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, नंबर 5, सावन में बच्चों को शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव की तरह ही बच्चों का मन भी शांत होगा और वह आपकी बात भी मानेंगे। ऐसे में आपका बच्चा पढ़ाई में अब्बल होगा, इसलिए बच्चों को शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6, अगर पूजा का लोटा खराब है तो उसे कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। उसे लौट को तुरंत घर से हटा दे, ऐसा लोटा खंडित माना जाता है। दोस्तों, नंबर 7, शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ा हुआ भी दोबारा से उठाकर उसे धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र कभी भी आप पवित्र नहीं होता। लेकिन याद रहे, बेलपत्र फटा हुआ ना हो और उसके तीनों पेट सबूत होने चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का मस्तक ठंडा रहता है और आपका मन भी कोमल हो जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं, बेलपत्र में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। शिवलिंग पर बेल का फल चढ़ाने से व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पाता है, ऐसा व्यक्ति धनी हो जाता है। सावन में पहले शिवजी को बेल का फल भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खाना चाहिए। इसे भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, भगवान शिव आपको धन से मालामाल कर देंगे। दोस्तों, नंबर 8, घर का मंदिर साफ करने के लिए साधारण जल में गंगा जल मिलाकर ही मंदिर को धोना चाहिए तथा मूर्तियां आदि साफ करना चाहिए। साधारण जल से मंदिर की साफ सफाई कभी नहीं की जाती, इसीलिए साधारण जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला ले, इससे पूरे घर की शुद्धिकरण हो जाती है। दोस्तों, नंबर 9, शिवलिंग पर भांग धतूरा और सफेद फूल तथा सफेद मिठाई अर्पित करने से, दूध दही अर्पित करने से तथा शमी के पत्ते अर्पित करने से साक्षात भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर गाने का रस तथा शहद और गुड़ चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में मिठास आती है और मीठे पकवान दान करने से जीवन में कभी भी हताश की उत्पत्ति नहीं होती। दोस्तों, साक्षात गुलाब में माता पार्वती का वास होता है, शिव परिवार का वास होता है, इसीलिए शिवलिंग पर गुलाब चढ़ाने से माता पार्वती की कृपा बरसती है, भगवान शिव की कृपा बरसती है। भगवान गणेश को गुलाब का फूल अति प्रिय है, इसीलिए गुलाब का फूल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। गुलाब का फूल सभी देवों को अति प्रिय है। दोस्तों, नंबर 10, शिवलिंग पर चढ़ने वाला जल तथा दूध पैरों में नहीं आना चाहिए, इससे भगवान शिव का अपमान होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपके पैरों में चप्पल आदि नहीं होना चाहिए। घर के अंदर अंगूठे के आकार का शिवलिंग रखना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखा जाता। शिवलिंग पर हमेशा जल की धारा अवश्य होना चाहिए। अगर आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो घर में शिवलिंग ना रखें, नहीं तो उल्टा आपके घर का विनाश हो जाएगा, क्योंकि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव का मस्तक ठंडा रहता है, भगवान शिव शांत रहते हैं। शिवलिंग पर कई ऐसी शक्तियां ऊर्जा होती है जिन्हें शांत करने के लिए गंगा जल की धारा आवास्य होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं, शिव शंभू से प्यार करते हैं, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।